मुझे आप लोग ये बताइए कि अल्लाह ताला ऐसा क्यों करते हैं इंसानों के साथ, आप में से कौन बता सकता है? कभी तंगी, कभी आसानी, हाँ अल्लाह ताला ऐसे क्यों करते हैं? अगर जो पैसा खर्च कभी करते तंगी हैं। कभी पैसे कम होते हैं, कभी ज्यादा होते हैं, कभी हालात के एतबार से अल्लाह ताला हमको टेस्ट करते हैं। बिल्कुल सही जवाब, माशाल्लाह बिल्कुल सही जवाब, ये आपके लिए गिफ्ट। अल्लाह ताला हमें टेस्ट करते हैं, हमारा इम्तिहान लेते हैं। क्योंकि होता क्या है ना, तंगी के अंदर एक इंसान को देख सकते हैं कि वो कैसा इंसान है। कुछ लोग होते हैं ना तंगी में आते हैं ना, जब गलत काम करने लगते हैं, जब तंगी आती है ना तो दूसरों की चीजें चोरी करने लगते हैं, हाँ तंगी आती है ना अल्लाह ताला कोई बुरी बात बोलने लगते हैं, ना शुक्रे बन जाते हैं, यही भूल जाते हैं अल्लाह ने कितनी सारी चीजें दी। अल्लाह ताला ने कितनी चीजें दी मालूम है? कितनी? बहुत सारी। अनगिनत। दस? अनगिनत। पचास? नहीं। सौ? कितनी? 200? गिनने से भी कम। गिनने से भी कम, मतलब गिन ही नहीं सकते इतना दिया। तो कभी अल्लाह ताला ने कोई चीज कम दी ताकि हमें आजमाए, तो हमें क्या अल्लाह ताला के सारे एहसान भूल जाना चाहिए? नहीं। तो अल्लाह ताला परखता है अलग अलग हालात से, तो कभी कभी अल्लाह ताला तंगी भी देता है, कभी कभी आसानी भी देता है। क्यों आसानी देता है? वो क्या है, इनाम है? इनाम है? हाँ नहीं। कभी आसानी, बहुत पैसे आ गए आपके पास, बहुत सारी चीजें, सेहत बहुत आ गई हर चीज में, तो ये क्या है? ये क्या है, कौन बताएगा? आसानी क्या है? तंगी तो आपने कहा टेस्ट है, आसानी क्या है, कौन बताएगा? एहसान है ना, यानी कि इनाम है ना, यानी अमीर लोगों को अल्लाह ताला इनाम दे रहा है, गरीब लोगों को सजा दे रहा है, सही के गलत? गलत। तो पैसा आसानी जो है वो क्या है, कौन बताएगा? सोचो, मैं बताऊं? ये आसानी भी इम्तिहान है, ये आसानी भी इम्तिहान, ये गिफ्ट मैं ही ले लेता हूँ। ये आसानी भी क्या है? इम्तिहान है, अल्लाह ताला इम्तिहान ले रहा है। क्यों पता है? बहुत से लोग जिन्हें अल्लाह ताला आसानी देता है तो उन्हें क्या करना चाहिए, आसानी में अच्छे काम करना चाहिए, अल्लाह की और इबादत करना चाहिए, वो फिजूल खर्ची कर देता है, नेक काम करना चाहिए, अच्छे कामों को सपोर्ट करना चाहिए, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथ देना चाहिए, पैगाम को सपोर्ट करना चाहिए, हाँ क्या करते हैं, फिजूल खर्च करते हैं, फखर के लिए तंगी दे देते हैं, नाम के लिए खर्च करते हैं, तो ये पैसा क्या है, उनके लिए बुरा हो गया, वो फेल हो रहे हैं। पैसा और आसानी क्या है, ये भी इम्तिहान है, तो तंगी भी इम्तिहान है और आसानी भी इम्तिहान है। अभी सब बच्चे अपना जहन पूरा ऑन करो, दिमाग को स्विच ऑफ नहीं करना, ऑन करके बताओ आप में से कौन सही जवाब देता है कि ये तंगी और आसानी सिर्फ पैसों के अंदर होती है, दूसरी चीज में भी होती है, दूसरी चीज में भी होती है। बताओ कौन बताएगा? चलो इंशाल्लाह आपके लिए गिफ्ट यहाँ पे तैयार है, कौन बताएगा क्या क्या दूसरी चीज में होती है, पैसे के अलावा और किस चीज में होती है? पैसे कम भी होते हैं, जेब में 500 रुपए है और कभी 5 लाख रुपए है, फ्रूट्स फूड, किसी के पास ज्यादा रहता है वो फेंकता रहता है, बिल्कुल सही माशाल्लाह, फूड खाना, हाँ बिल्कुल सही, कौन सा कलर चाहिए? ओके ग्रीन कलर, ओके। तो कभी कभी आसानी होती है फूड में, ओके okay, और बताइए, बिग कार? नहीं वो तो पैसे से कनेक्ट कर देंगे हम लोग, पानी बिल्कुल सही जवाब, और सोचो पानी कैसे, बारिश, हाँ कभी बहुत बारिश हो जाती है, हाँ कभी कभी कम बारिश होती है, देखा आप लोगों ने कभी, देखा कि नहीं देखा, कभी एकदम तेज हो जाती है, कभी एकदम कम हो जाती है, कहीं कहीं बहुत बारिश होती है, कहीं कहीं कम होती है, कहीं कहीं अल-काबित, कहीं कहीं अल-बासित, अल्लाह ताला के दोनों नाम हमें साथ में लेना चाहिए, हाँ ये भी आपके लिए माशाल्लाह। और बताइए आप लोग भी ट्राई करिए जी, और बताइए आप लोग भी ट्राई करिए, घर, घर तो घर हम लोग पैसे से कनेक्ट कर रहे हैं, पैसे से घर साइज वगैरह डिपेंड हो जाता है, और बताओ, और बताओ, कपड़े हाँ वो भी पैसों से कनेक्ट कर दिया हमने, और क्या होता है पता है आपको, और कभी कभी खिलौने माशाल्लाह आपने सही बताया, किसी के पास ज्यादा पैसे, आपने कोशिश की, आप दोनों ने आपको मिलना चाहिए इंशाल्लाह, आपको दोनों को कोशिश किए मिलना चाहिए, और बताइए यूसुफ आप भी कोशिश करिए, हाँ जी क्या बोल रहे थे आप, और अगर किसी के पास ज्यादा पेंसिल है तो, हाँ कभी ज्यादा पेंसिल में भी खुशहाली, हाँ माशाल्लाह। और क्या मैं आपको बताऊं, देखो कभी कभी दिल को ऐसा लगता है ना बहुत तंग लग रहा है, और कभी कभी दिल को बहुत अच्छा लगता है, कभी हुआ आपके साथ?
कभी बहुत सैड फील करते हैं, ऐसा होता है? हाँ. हाँ? और कभी कभी बहुत हैप्पी फील करते हैं. अल-काबिद और अल-बासित, कुशादगी पैदा करने वाला और तंगी पैदा करने वाला. अच्छा, हम दोनों पर ईमान रखते हैं, अल्लाह ताला अल-काबिद भी और अल-बासित भी है. कई लोग क्या बोलते हैं ना, कई धर्मों में ऐसा मानते हैं कि सिर्फ अच्छी चीजें उनके गॉड की तरफ से, बुरी चीजें नहीं है. हमारा मानना है अच्छा और बुरा दोनों अल्लाह की तरफ से. जो तकलीफ आती है, परेशानी आती है, मुसीबतें आती है, आजमाइशें आती है, ये भी किसकी तरफ से आती है? अल्लाह की तरफ से. क्यों अल्लाह ताला देते हैं? वो आजमाइश के तौर पर, इम्तिहान के तौर पर. हाँ, तो अल-काबिद भी अल्लाह है और अल-बासित भी अल्लाह है. अल्लाह के दीन की दावत और लोगों तक पहुँचाने के लिए इस वीडियो को जरूर लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करें. आपके इस चैनल को और बेहतर बनाने के लिए आपका साथ जरूरी है. आई प्लस टीवी, बेहतर जिंदगी के लिए. अपने केबल या डीटीएच ऑपरेटर से आई प्लस टीवी आज ही डिमांड करें. आई प्लस टीवी फ्री टू एयर और इंडियन रजिस्टर्ड चैनल है.